अगर अकलमंदी करो तो किसी की नाक से खून नहीं बहेगा। हमें सिर्फ घोड़े चाहिए। हाय बेगारत हो गया, हाय मैं लूट गया। तुम सब यहाँ खड़ी हो अपनी पेट पूजा करने के लिए? भूखी हो? क्या करें, कहाँ जाएं? यहाँ कम से कम रोटी के टुकड़ों से पेट तो भर जाता है। बेचारी, वो एक रोटी तुम्हें देता है ताकि तुम्हारी जान का शीरा चख सके। जान का शीरा? कुत्तो, बेअदबो, हटो, हटो, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तुम लोगों ने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हटो, 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 रुक्साना। साथ क्या हो गया ये? मैं समझ में नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो। मुझे श्रोता को दफन करें और पता चले। जब वो समझ गया कि खलीफा का आदमी असल में एक धोखेबाज सैयद है, इस कोशिश में लग गया कि उसे गिरफ्तार कर ले। अपने मुताबिक वो तुर्कों को शर्मिंदा करना चाहता था, मगर वो मेरा घर जला के चल दिया। तो अब वो आदमी गया कहाँ? पहाड़ों की तरफ गया, अब्दुल अजीम का पीछा करने। क्या करें? अब्दुल अजीम को पहाड़ों में ढूंढना बिल्कुल ऐसा है जैसे पत्थर में कील ठोकना। रास्ता ना हमवार और सुनसान है। दरिंदे, जानवर, बर्फ और ठंडक और लाल कपड़े वाले बाकी लोग अब्दुल अजीम के साथ जाने भी हो, इनमें से एक भी रह नहीं पहुंचेगी। हम भी कोशिश करें तो बेकार है, खलीफा को भी ये बात मनवानी पड़ेगी। ये भी एक बात है। लाल कपड़े वालों के कैदी हो शेख, तुमने जो कुछ अफसानों में सुना है आज उसे अपनी आंखों से देख लो। हम उन अफसानों का हिस्सा हैं जो हमारे खुदा बाबा खुद हमसे हैं। अरब का क्या काम इधर? कोई हुक्म है हमारी दिया? आसानी से मरना चाहते हो या मुश्किल से? जो शख्स गुमराही की तरफ चल पड़ा है, आसान मौत की तमन्ना फजूल है। क्या करते हो? क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग अरब के खून के प्यासे हो तो मैं भी अरब हूँ। हम बिलावजह अरब को नहीं मारते। तुम्हारा जुर्म यह नहीं है कि तुम अरब हो। अरब मेरे इलाके में क्या कर रहा है? तुम मेरे घर में हो और मैं पहाड़ों में पनागिर हुआ हूँ। अगर तुमने जरा सी भी छूछरा की तो ऐसे मारे जाओगे जैसे 100 बार मारे गए हो। क्या करते हो? मजदूर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। यकीनन जानते होगे कि अब्बासियों की हुकूमत में अरबों का काम गधों की तरह का है। तुर्कों ने इन तमाम मनसबों को घेर लिया है। फिर तो तुर्क जिंदाबाद। तुम ताजर हो।
इतनी लड़कियां सिर्फ जजिया ना देने के बहाने खलीफा के हवाले कर दी गई। एक तुम जैसा ही एक दिन मेरी दुल्हन को हुजले अरूसी से ले गया। इन सब बातों से नजरें चुराना चाहिए नहीं, तुम्हारे हाथ पांव बांधकर घसीटूंगा जमीन पर। जो सुलूक मुतवक्कल अब्बासी ने हमारे खुदा बाबा के साथ किया था। बहुत खूब सैयद, अपनी तमाम तर होशियारियों के बावजूद जाल में फंस गए, तुम्हारी गर्दन टूट जाए। जानते हो तुमने क्या किया? इस्फहान की एक साल की मालूमता और मजूसियों के इलाकों के जजिये सब धुआं हो गए। इसकी वजह तुम थे और वो तब्रस्तानी मादर पिदर आजाद शख्स, और अब एक वतन परस्त गिरोह के हाथों कैद हो गए। मगर तसल्ली रखो कि अगर मेरी सात जानों में से एक भी बाकी रह जाए तो तुम्हें खलीफा के हवाले कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अरब, अरब इब्ने अरब। तुम्हारा मेरे नाम से क्या वास्ता? खुदा की पनाह अरब की जहालत से। मैं, मेरा नाम अब्दुल असीम, कुनियत अबुल कासिम, चौथे जद इमाम हसन मुस्तबा। पहले पहचान लो, फिर मुझे खलीफा के हवाले करना। अगर तुम्हारा दिल करे तो आले अली और आले अब्बास की दुश्मनी की कहानी तुम्हें सुनाऊं। इसका सुनना बेकार नहीं जाएगा, कम से कम कैद की तंगी को कम कर देगा। मेरे कान फालतू नहीं है, हजार दफा सुन चुका हूं, बेकार बातें मत करो। وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا رحمتك يا أرحم الراحمين। मुंतसर मेरे बाद खलीफा होगा, मुंतसर के बाद मोहतज, और मोहतज के बाद मुअय्यद। हम खलीफा की रकाब के मुलाजिम हैं, चाहे विलायत अहदी हो, चाहे अमीरी, चाहे नौकरी। वल्लाह आलम, हमारी नजर में बाप के बराबर में विलायत अहदी शहद की तरह और इसके बगैर जहरे हलाहल है। हसद करना औरतों में बुरी बीमारी है। आपको चाहिए के अहले हरम पर सबसे पहले नजर रखें। हमारा हरम कौन से कज़ा की तरह है? अरब, रोमी, फारस, हिंदू, हर रंग की है। कभी दो औरतें एक जैसी एक रंग की देखो तो डरो और हमें भी डराओ। इंसाफ की बात है, रोमी बीवी ने अच्छा वलिया है तैयार किया है। रोमी तदबीर और हिकमत में मशहूर है। बात तो यह है कि ये लोग दिल चुराने में भी तुर्क और अरब से आगे हैं। एक लम्हे को मैंने बुखाई को देखा था, उन लोहे की सलाखों के पीछे छुपा हुआ है। लगता है वो खाली हाथ आया है। जाओ उसे बुलाओ, मैं मेहमान खाने में मुंतजर हूं। एक मोहलत दे रहा हूं ताकि अपनी गलती की तलाफी कर सको। जी हुजूर। अपना लश्कर ले जाओ और तिफलीस पहुंचो। इसहाक नाम का एक शख्स आले उम्मीद से खुरूज कर चुका है, इसहाक का सर चाहता हूं। आप सर की बीमारी में मुबतला हैं, हिकमत जानते हो? कुछ हाथ पैर मार के चंद चीजें पढ़ी हैं किताबों में। सर की बीमारी गलत फिक्र, ख्वाब ख्याल और दिल की बेचैनी की वजह से है। अहल-ओ-अयाल से दूरी का गम,
इस बीमारी को बढ़ा देता है। तुम मेरी बीमारी की दवा, लड़ाई झगड़े खत्म करना और अहले वयाल के पास चले जाना समझते हो, लेकिन एक बात सुन लो, जब तक मेरे बाजू में दम है मैं अरब के उन सितमगर खुल्फा से लड़ने से हाथ नहीं उठाऊंगा। ऐ बंदे खुदा, मैं खुद अपने आप को गरीबुल वतनी और हिजरत में इसलिए डाल चुका हूँ ताकि जुल्म से लड़ूं। ये कैसी जंग है जो आप लड़ रहे हैं? जैसे खुल्फा तुम लोग का पीछा करते हैं, तुम जैसे सैयद अपना घोड़ा लेकर भाग जाते हैं। कहाँ इलिमान या तबरस्तान? क्योंकि दमावन की पहाड़ियां गर्म और पुरसुकून, और खुल्फा का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता। तलवार निजात की आखिरी राह है, जुल्म से लड़ने को तर्क मत करना, मगर ख्याल रखना कि जुल्म से रिहा होने की इस राह में तुम खुद जालिम न बन जाओ। ये लो खाओ, मेरा असीर साथी ज्यादा जरूरतमंद है। तुम इन जुमलों और किनाइयों से हमारा इम्तिहान लेना चाहते हो? इसे कैद कर लो। दानिश को नहीं, हूर मजदार, तुम्हारी हमद व सना करते हैं कि तू पाक सिरश्त इंसानों में उतरता है और उनकी जबान में कुएं से रास्ता, तारीकी से रोशनी और बुरे फिक्र ख्याल से अच्छे फिक्र ख्याल निकालता है ताकि लोग गलाजत और गंदगी के बंदे न हो जाएं। अब इस वक्त एक बुराई नेक हवाओं पर हुजूम कर चुकी है, उसे भगा दे और हवाओं को आजाद कर दे, क्योंकि हवाएं तुम्हें दोस्त रखती हैं और तेरे गोनगो चेहरे को पसंद करती हैं। आजाद कर दे हवाओं को, आजाद कर दे अहूर मजदार।